हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था ने सारे विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाया हुआ है। हमारी न्याय व्यवस्था उत्कृष्ट कोटि की व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करती है 10 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अर्थात हम यहाँ तक सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय हमारे यहाँ सर्वोपरि है, लेकिन आज अदालतों में बढ़ते हुए काम के बोझ की वजह से यह व्यवस्था बहुत संकट में आ गई है। एक तरफ न्यायाधीशों की कमी, दूसरी तरफ बढ़ते हुए केसों का अंबार, पूरे देश में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। हर 100वां व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी मुकदमे से जुड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में हर व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि ऐसी कोई व्यवस्था कायम की जाए जिससे बढ़ते हुए मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। यदि मुकदमे कम होंगे तो उसके बाद जो भी न्यायिक निर्णय होंगे वह महत्वपूर्ण होंगे, उच्च कोटि के होंगे और अन्याय होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। न्याय पाना हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसलिए हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पहल पर लोक अदालत के माध्यम से बढ़ते हुए बोझ को, मुकदमों के बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए लोक अदालत की भावना को इफेक्टिव रूप देने के लिए योजना बनाई है। न्याय व्यवस्था हम उस श्रेणी में ले जाना चाहते हैं जहां इसके ऊपर क्वालिटी ऑफ वर्क रहे, गुणवत्ता अच्छी रहे, जहां छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे डिफरेंसेस को लेकर, छोटे छोटे मतभेदों को लेकर यदि मुकदमे बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिन्हें आपसी समझाइश से समझाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, तो आओ आगे बढ़कर सहयोग करो, हमारी न्यायिक व्यवस्था के अंदर अपना सहयोग करें। लोक अदालत पिछले लगभग कई वर्षों से, 4-5 वर्षों से बहुत अच्छे तरीके से हर प्रदेश में, हर जिले में, हर उच्च न्यायालय में आयोजित की जा रही हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय में भी लोक अदालत की भावना के तहत मुकदमों के निस्तारण के लिए पहल की गई है, लेकिन आज के बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या को देखते हुए ये बहुत कम है। अभी हाल ही में कुछ लोक अदालतें राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में, राजस्थान उच्च न्यायालय में विभिन्न बेंचों के तहत एवं अधीनस्थ न्यायालय में कुछ बेंचों का गठन करके मुकदमों का निस्तारण किया गया, जहां पे फरीकों ने आकर के सहयोग किया। मैं स्वयं पिछले लगभग 1 वर्ष से लोक अदालत की बेंचों में बतौर अधिवक्ता मेंबर के रूप में उपस्थित हुआ हूं। मैंने स्वयं महसूस किया है कि बहुत छोटी छोटी मुद्दों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर पक्षकार वर्षों से न्यायालयों में लड़ रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, अपने परिवार की शांति को क्षति पहुंचा रहे हैं। मैंने स्वयं ने कई मुकदमों में महसूस किया कि मुद्दे बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें यदि कोई सही तरह से समझाता तो ऐसे मुकदमों का निस्तारण अच्छी तरीके से किया जा सकता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए
लोक अदालतें की गई और की जा रही हैं और उम्मीद है आगे भी और इसके रूप को और विस्तृत किया जाएगा और लोगों में जागृति पैदा की जाएगी कि आइए अपने मतभेद भुलाइए। निम्न वर्ग के लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग छोटे छोटे ऋण बैंकों से प्राप्त कर लेते हैं, सरकार की योजनाओं का उनको जानकारी नहीं होती है, आधा पैसा बीच में लोग खा जाते हैं, बहुत कम पैसा मिलता है, उन्हें यह बताया जाता है कि आपका लोन माफ़ हो गया है और मुकदमा बैंक की तरफ से दर्ज करा दिया जाता है। सैकड़ों मुकदमे मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 12,000 इतनी छोटी छोटी राशियों के लिए बैंक ने मुकदमे ऋण वसूली के दायर किए हुए हैं, उनको ज्ञात ही नहीं है कि उनके विरुद्ध इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। वह वकील से संपर्क करते हैं, वकील अपना वकालतनामा देके बोलता है मुकदमे को लड़ेंगे और छोटी छोटी राशियों के मुकदमों को फरीक लड़ रहे हैं। नतीजा, कोर्टों के अंदर हजारों की तादाद में ऐसे मुकदमों का अंबार लग रहा है। बैंक चाहती है कि सरकार ने योजना दी, जो स्कीम का लाभ हमने लाभार्थियों को पहुंचा दिया, लेकिन जो बकाया रकम है ऋण की, वो तो ऋण जिन्होंने ऋण लिया हुआ है ऋणी लोगों को चुकानी पड़ेगी। हम इस तरह से पूरी ऋण राशि को माफ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को समझाइश की गई, उन्हें बताया गया कि आपने ऋण लिया है तो वो ऋण, पूरा ऋण सरकार आपको नहीं दे सकती, कुछ पैसा आपको वापस लौटाना ही पड़ेगा। इस तरह से सैकड़ों की तादाद में समझाइश के माध्यम से इन मुकदमों का निपटारा किया गया। लोगों ने समझा और वास्तविकता को समझा, जो छोटी छोटी राशियों की रकम ऋण बकाया थे उनको जमा कराया। इसी तरह से चेक के अनादरण के केस लाखों की तादाद में लंबित हैं। बहुत छोटी छोटी राशियों के चेक होते हैं, अनादरित हो जाते हैं, पक्षकार वकील के पास आकर के मुकदमे को लड़ते हैं, सालों साल मुकदमे चलते हैं, कोई समझने की कोशिश नहीं करता कि बहुत छोटी राशियों के लेकर के चेकों के अनादरण के मामले में क्यों आपस में लड़ रहे हो, इनको निपटारा करिए। इस लोक अदालत के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह के चेक अनादरण के केसों में लोगों के अंदर जागृति पैदा की जाए, उनको जगाया जाए, उन्हें बोला जाए कि आप ईमानदारी से कार्य करें, यदि किसी से पैसा लिया है, यदि चेक का पैसा सही बनता है तो उसे चुकाएं, कोर्टों में इस तरह से बिना वजह के नहीं लड़ें, क्योंकि आपके इस तरह के मुकदमे न्यायालयों में लंबित रहेंगे तो इनसे जो वास्तविक लोग जो अन्याय का शिकार हुए हैं उनके हित कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, वो ठीक तरह से उन मुकदमों की पैरवी नहीं हो पाएगी। पारिवारिक कलहों के, पारिवारिक झगड़ों के भी मुकदमे तमाम न्यायालयों में पेंडिंग है। ईगो को लेकर के पति पत्नी के बीच के झगड़े, बहुत से मुकदमे न्यायालयों में लंबित हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में मतभेद हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच मतभेद हो जाते हैं। उन मतभेदों को दूर किया जा सकता है, सिर्फ उन्हें समझाने की जरूरत होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर न्यायालय में मुकदमे लंबित हैं, बरसों से मुकदमे लंबित हैं। उन्होंने अपनी परिवार की शांति खोई हुई है, क्योंकि उनका ज़्यादातर अपना ध्यान इन मुकदमों को लड़ने में, इनकी पैरवी करने में लगा हुआ है। अधिवक्ताओं को पैसा दे रहे हैं, अपनी मोटी कमाई, मेहनत की कमाई को खर्च कर रहे हैं मुकदमों के ऊपर। नतीजा, 8 साल 10 साल लड़ने के बाद में जब समझाइश की जाती है, जब समझाया जाता है, फिर एक होने को तैयार हो जाते हैं, रहने को तैयार हो जाते हैं। इसके दुष्प्रभाव भी आ रहे हैं, पति पत्नी के झगड़ों से, उनके बीच में मतभेदों से, न्यायालय में लंबित मुकदमों की वजह से उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका जीवन भी दुष्वर हो रहा है। इसलिए इस लोक अदालत के माध्यम से काउंसिलर को भी अपॉइंट किया हुआ है, जिसमें योग्यता वाले अधिवक्ता हैं, जो योग्यताधारी अधिवक्ता, उनको काउंसलर अपॉइंट करके ये प्रयास किए जाते हैं कि आप पक्षकारों को समझाइए, उनमें जागृति लाइए, उनके मतभेदों को दूर करिए। न्यायालय भी पूरा प्रयास करते हैं, न्यायाधीश भी पूरा प्रयास करते हैं लोक अदालत में दोनों पक्षों को समझा करके कि आप अपने मतभेद भुलाइए, एक अच्छे सुनहरे सुबह के लिए, अच्छे स्वर्णिम भविष्य के लिए अपने मतभेद भुला करके मुकदमों को खत्म करिए, साथ रहिए, शांति लाइए अपने जीवन में, सुख समृद्धि लाइए। आप सुख रहोगे, समाज सुख रहेगा, समाज सुखी होगा, देश प्रगति करेगा, सारे देश में शांति होगी, यही सबकी कामना है। और यदि मुकदमे जिस तरह से अनावश्यक रूप से जो न्यायालयों में लंबित हैं, यदि वो निपटारा हो जाते हैं तो हमारे लोक अदालत का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। किसी पर दबाव डाल के किसी भी मुकदमे का निस्तारण नहीं किया जाता है। लोक अदालत में मुख्य उद्देश्य यही होता है कि यदि समझाइश से कुछ मुकदमों का निस्तारण किया जा सकता है
तो उन मुकदमों का निस्तारण करें और देश की समृद्धि में प्रगति में अपना सहयोग प्रदान करें। राष्ट्रीय लोक अदालत राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो लगाई जाती है, ये एक सस्ता, सुलभ और त्वरित गति से न्याय प्राप्त करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षकारान आपसी समझौते से अपने केसेस का निपटारा बहुत जल्द करवा सकते हैं। लोक अदालत का जो स्टेप राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, जिसके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग साहिब के नेतृत्व में जो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोक अदालत व लोक अदालतें जो लग रही है, उसके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और उसमें करीब 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस का राजस्थान के अंदर जो है वो डिस्पोजल हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट से जो अल्टरनेटिव रेड्रेसल ऑफ द ग्रेवेंसेज ऑफ द पब्लिक का जो मैटर है, ये पहले भी सेक्शन 89 CPC के अंदर जो है निहित था, जिसमें कोर्ट्स के बाहर जो है वो मैटर को सेटलमेंट करने का प्रावधान दिया गया है। उसी लाइट में जो है ये लोक अदालत के एक्ट्स वगैरह बने हैं और इसी तरह से लीगल सेल अथॉरिटी का जो है वो चल रही है राजस्थान के अंदर, जिसमें पैनल लॉयर्स बनाए जाते हैं और लिटिगेंट्स को फ्री सर्विस मिलती है। लिटिगेंट से कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है। अगर किसी के कोई केस हो जाए तो लीगल सेल अथॉरिटी जो ट्रायल कोर्ट में भी है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी हैं, वहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म पेश कर सकता है कि मेरा ये मामला है, मुझे ये ग्रीवेंस है, मुझे इसमें न्याय चाहिए। तो दोनों जगह जो है वो पैरा लीगल वॉलंटियर्स, पैनल लॉयर्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और वो लिटिगेंट्स के फ्री के अंदर जो है वो केसेस को कंडक्ट करते हैं। और जो लिटिल बिल थोड़ा सा एक पैसा है मेहनताना के बतौर, वो सरकार के द्वारा लीगल एड अथॉरिटीज़ के द्वारा जो है एडवोकेट्स को दिलाया जाता है। पब्लिक से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है और सस्ता और सुलभ, इससे ज़्यादा न्याय क्या हो सकता है। इसके अंदर कंपनसेशन ऑफ द जो है वो विक्टिम्स के मामले भी जो है वो निपटाए जाते हैं। जो विक्टिम है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, उसको भी जो है लीगल सेल्स के द्वारा जो है वो जिस तरह की चोट उसके लगी है, जिस तरह का मामला है, वैसे हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक का विक्टिम क्लेम कंपनसेशन दिलाया जाता है। तो इस तरह से जो अभी न्यायिक व्यवस्था चल रही है, जो अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन जो हो रहे हैं, उसमें मीडिएशन का भी एक रोल अलग है। मीडिएशन के मामले में भी यहाँ जो है वो मीडिएटर्स अपॉइंट ऑनरेबल हाई कोर्ट और लीगल सेल अथॉरिटी ने ट्रायल कोर्ट्स में कर रखे हैं। उनका काम भी जो है आपसी भाईचारे से, आपसी सहमति से, आपसी समझाइश से, जहाँ घंटों भर जो है वो दोनों पार्टीज़ को बैठाया जाता है, उनके एडवोकेट्स को बैठाया जाता है, इसके अलावा जो मीडिएटर्स हैं उनको भी बैठाए जाते हैं और मैटर्स को ऑनरेबल हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट से रेफर किए जाते हैं और इस तरह से आपसी समझाइश से मामलों को निपटाया जाता है। तो लोक अदालतें, मीडिएशन, लीगल सेल अथॉरिटीज़, इस तरह से बहुत अच्छा काम कर रही है। वकीलों की महती भूमिका यही है कि फ्री के अंदर वो अपना आपका काम कर सकते हैं, कम पैसे के अंदर भी अपना काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको जो राजस्थान में जिस तरह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रमोट किया है, इट्स ए वंडरफुल अचीवमेंट फॉर द पब्लिक ऑफ द राजस्थान। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारे राजस्थान के एडवोकेट्स हैं, वो इसको सफल बनाने में पुरजोर ताकत के साथ जुटे हुए हैं और उसके नतीजे प्रदीप नंद्राजोग साहब के सुपरविज़न में चीफ जस्टिस हैं हमारे राजस्थान के, उनके द्वारा जो एफर्ट्स किए गए हैं, एक बेहतरीन जनता को तोहफा मिला है, उसका बेहतरीन रिजल्ट आया है और जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस हैं उसके बोझ से राजस्थान के कोर्ट्स काफ़ी निजात पा चुके हैं।
इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोक अदालत है वो उसको और सशक्त बनाया जाए और इसका प्रचार और प्रसार गाँव में जो अशिक्षित लोग हैं वहाँ तक जाना आवश्यक है। शहरों में तो इतने एफर्ट्स हुए हैं जिससे कि काफ़ी लोगों में ये फैलता जा रहा है और उनको नॉलेज में भी आया है और उसका आउटपुट जो है जनता को मिल रहा है, जिससे जनता में खुशी की लहर है और एक्सपीडिशियसली डिस्पोजल ऑफ द केसेस हो रहे हैं, जिससे कि समाज के अंदर भाईचारा बढ़ रहा है। इस संबंध में सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारे देश की जनता को इस मामले में शिक्षित किया जाए कि आपके बीच में जो विवाद है वो आपके विवाद मुकदमा करने के पहले से निपटने की व्यवस्था भी है, उसका हम प्री लिटिगेशन कम्प्रोमाइज़ कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जितने विधिक साक्षरता शिविर हो रहे हैं उनसे आम जनता को फ़ायदा पहुंच रहा है, वकील भी विधिक से शिक्षित साक्षर शिविर में भाग लेते हैं और अधिवक्ता मतलब अधिकारीगण भी वहाँ पर जाते हैं, माननीय न्यायाधिपति भी मेगा लोक अदालत का शिविर जो होते हैं उसमें जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब इस कार्यक्रम को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना पड़ेगा। जब हमारा बच्चा कक्षा 3 में आता है और जो कक्षा 3 से लेकर के जो भी कोर्स वो करता है 12वीं तक का, बीए तक का, ग्रेजुएशन तक का, तो उसको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बन चुकी है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 भी बना हुआ है जिसके तहत मुकदमों का राजीनामा से निस्तारण हो सकता है। तो जब एक विद्यार्थी जो कि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक या एमए तक या जो भी वो कोर्स करता है उसको जानकारी हो जाएगी, तो वो क्या हर व्यक्ति की जानकारी रहेगी कि हमारे मुकदमों का निस्तारण जो राजीनामा काबिल है, जो आपसे समझे से निपट सकते हैं, जिनमें देश के कानून में ऐसी व्यवस्था है वो कमरों में निपट सकते हैं, तो वो उस मुकदमे को जल्दी से जल्दी लोक अदालत के माध्यम से प्रेस करेगा। तो शिक्षित करना पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि आम जनता को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो मुकदमे न्यायालयों में लंबित है उन मुकदमे के अंदर उनकी कोर्ट फीस वापस मिल सकती है, बिगर फीस के काम हो सकता है, इससे क्या उनका आर्थिक भार कम हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अदालत के फैसलों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि जो राजीनामा के माध्यम से निपटते हैं उनकी कोई अपील दलील नहीं होती। आज छोटी से छोटी कोर्ट में जो मुकदमा है अगर वो कोई पक्ष हार जाता है तो उसका फिर वो सेशन कोर्ट में जाता है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और एक पूरी पीढ़ी इस मामले में लग जाती है, उसकी उम्र खत्म हो जाती है लेकिन फैसला नहीं हो पाता। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत या लोक अदालत का फायदा यह है कि वो मुकदमा जिस भी न्यायालय के स्तर का है उसी लेवल पर निपट जाता है, या प्री लिटिगेशन है तो वहीं निपट जाता है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि आम जनता को जो एक जिंदगी मिली है, एक जो समय मिला है, उस समय के अंदर वो अपने व्यक्तित्व का विकास करके स्वयं की उन्नति कर सकता है, गाँव की उन्नति कर सकता है, राष्ट्र की उन्नति कर सकता है और समाज में विकास में भागीदार बन सकता है। इससे समय, शक्ति और पैसे की बचत होती है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली जिसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, एंशियंट पीरियड से लेके ही एक ऐसी कानून व्यवस्था जो बनी हुई थी जहाँ पहले जानवर को, व्यक्तियों को, मनुष्य को, सबको एक डिसिप्लिन तरीके में रखने के लिए एक गांवों के नियम, एक कस्बों के नियम बने हुए थे। तो वो जब भी कोई झगड़े हो जाते थे तो उस पंचायत के जरिए उसको निपटाते। उसी कंसेप्ट को लेकर जो राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक लोक अदालत के माध्यम से एक नया प्रारूप तैयार किया गया है, वैसे हमारे CPC में इसके ऑलरेडी प्रोविजन थे, उसके बावजूद भी उसको ज़्यादा बढ़ा करके आम जनता तक पहुँचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उसके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति प्रदीप नंदा जो जी को धन्यवाद देता हूं और लीगल सेल के जो इंचार्ज है, लीगल एड के जो इंचार्ज जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित देता हूं। मैं आपको इस संबंध में एक बात बता देना चाहता हूं कि जब व्यक्ति के खिलाफ या व्यक्ति द्वारा जब मुकदमे किए जाते हैं तो इस आस के साथ किए जाते हैं कि उसका जो भी निर्णय, जो कुछ भी निर्णय हो वो जल्दी हो, लेकिन कुछ कारणों से इतनी ज़बरदस्त देरी हो जाती है। उसका रीज़न है बहुत ज़्यादा मुकदमे दायर होना, अलग अलग तरीके के मुकदमे दायर हो जाना, उसमें जो वास्तविक जो मुकदमे ऐसे भी होते हैं जिसमें 80% से लेके 90% तक मुकदमे ऐसे होते हैं जो आपसी बातचीत से लोक अदालत के जरिए से निपटाए जा सकते हैं। तो वो जो तरीका अपनाया गया है अभी हाल ही में और उसके अनुरूप जो न्यायालय, हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए जो तय किया गया है
और जो मुकदमे जिस रफ्तार से जिस क्वांटिटी में तय हो रहे हैं, मैं उसके लिए ये ऐसा मेरा सोच है कि ये बहुत अच्छा कदम है और ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इसके लिए हम सब वकीलों को, सभी न्यायाधीशों को और जो भी इस लोक अदालत के मेंबर्स हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है इस संबंध में कि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति एक मुकदमा करता है तब ऐसा कहा जाता है कि उसके पोते तक उसका मुकदमा लड़ते हैं। तो ये जो हमारे न्याय व्यवस्था के ऊपर एक लांछन था, उसको मिटाने का भी एक अच्छा प्रयास है। अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी, उसमें लाखों मुकदमे तय हुए थे, क्योंकि कुछ मुकदमे ऐसे जो अहम के होते हैं, वो एक अहम एक मीडिएटर के जरिए समाप्त किया जा सकता है। अगर मैं अपने मुकदमे को अहम में चला रहा हूँ और उसमें मेरे को कोई ये कहने वाला नहीं है कि आनंद तुम्हारा ये अहम गलत है, तो ये बात कहने वाला एक संभ्रांत व्यक्ति या किसी पद पे बैठा व्यक्ति या किसी पावर को लिए हुए बैठा व्यक्ति कहता है कि शांत हो जाओ, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और वो मुकदमा एक मिनट में सेटल होके अपने तय हो जाता है। तो इससे ज़्यादा आपको कितना जल्दी फास्ट न्याय चाहिए? इट इज़ लाइक ए मैग्नेटिक लॉ, इधर बटन दबाया और उधर न्याय मिल गया, तो इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो? और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसका जो प्रचार और प्रसार, जैसे रणजीत जोशी जी ने बताया कि गांवों में करना अनिवार्य है, क्योंकि गांवों में जो लोग होते हैं, जो थोड़ा सा भी कोई पढ़ा लिखा होता है उसके बरगलाने में से आके मुकदमे कर देता है, और उस मुकदमे का नतीजा ये होता है कि जिस व्यक्ति ने मुकदमा करने का कहा है वो तो आराम से बैठा है, और जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया है वो अपने पूरे जवानी को यहाँ पूरा ख़त्म कर देता है, और उसके बच्चे यहाँ आके उसके वारिसान यहाँ आते हैं, और कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली वो मुकदमा कॉम्प्रोमाइज़ के रूप में तय हो जाता है। तो मैं इस लोक अदालत के प्रारूप को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस लोक अदालत के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और ये मैं कामना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से, जिस भावना से, जिस आत्मीयता से ये जो लोक अदालत का जो प्रचलन जो और प्रसार जो हुआ है और जो मुकदमे तय हो रहे हैं, इसके लिए एक बहुत अच्छा कदम है। आई विश द ऑल जजेज एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द लोक अदालत शुड बी सक्सेस इन देयर मिशन एंड आई एम विद देम। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी अपने प्रयास किए, पक्षकारों को समझाया, दोनों पक्षकार आए और समझाइश के बाद उन्होंने अपनी सहमति दी और मुकदमों का निस्तारण हुआ। तुरंत उसी दिन आदेशिका पर हस्ताक्षर हुए और फाइल बंद कर दी गई। काफ़ी पक्षकारों ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में लाभ उठाया, विशेष तौर पर जो एक्सीडेंट क्लेम मैटर थे जिसमें एक पक्षकार बीमा कंपनियां थी, उनकी तरफ से भी सहयोग किया गया, और कुछ लोग जिनके क्लेम खारिज कर दिए गए थे, अथवा कुछ ऐसे पक्षकार थे जो मोटर एक्सीडेंट में अपने किसी प्रियजन को खो चुके थे, उनके लिए मुआवजे के लिए मुकदमा लगाया हुआ था, उनमें कम राशि दी गई थी। लोक अदालत के अंदर न्यायाधीशों के एवं अधिवक्ताओं के प्रयासों से एवं बीमा कंपनियों के जो प्रतिनिधि आए उनके प्रयासों से, पक्षकारों के अधिवक्ता आए उनके प्रयासों से मुकदमों का निस्तारण किया गया और राशि बढ़ाई गई, जिसे बीमा कंपनियों ने स्वीकार भी किया, और जो उनका विधिवत जो बनता था, उनका जो मुआवजा राशि बनती थी, वो मुआवजा राशि उनको दिलाई गई। इस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में मुकदमों का उच्च न्यायालय में निस्तारण हुआ एवं करीब 6,000 से ज़्यादा मुकदमे अधीनस्थ न्यायालयों में 17 बेंचों के अंदर निस्तारित किए गए। एक दिन के अंदर एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि लोक अदालत का सही तरह से उपयोग किया जाता है, लोक अदालत की योजना को यदि जन जन तक पहुंचाया जाता है, सभी पक्षकारों को पहुंचाया जाता है, तो ऐसे बहुत से मुकदमे हैं जिनका निपटारा आपसी समझाइश से किया जा सकता है। वर्षों तक मुकदमों को लड़ने की बजाय, पीढ़ियों तक इन मुकदमाबाजी में झोंकने की बजाय, अपने परिवार की शांति को खोने की बजाय, आप राष्ट्रीय लोक अदालत में आएं, अपने मुकदमा का निस्तारण करें और अपने परिवार में शांति स्थापित करें। परिवार के अंदर शांति, परिवार की खुशी, समाज की खुशी देश की प्रगति में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगी।
लोक अदालत एक महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करती है, बहुत आसान है, इसके अंदर कोई जटिलता नहीं है, कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है कि साक्ष्य उस समय प्रस्तुत किया जाएगा, सिर्फ एक समझाइश है, दोनों की ईगो को खत्म किया जाता है, दोनों की यथार्थता दिखाई जाती है और इस यथार्थता के तहत ईगो को खत्म करके मुकदमे का निस्तारण एक औचित्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, कोई औचित्य मांग होती है तो दोनों पक्षों को समझाइश करके वो मांग पूरी की जाती है। इस तरह से राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जो लोक अदालतें काम कर रही हैं, इस जो योजना में जो कार्य कर रही हैं, उससे न्याय व्यवस्था के ऊपर अनाधिकृत रूप से, अनावश्यक रूप से पड़ने वाला जो मुकदमा का बोझ है उसे कम किया जा रहा है, जो देश की प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है। जय हिंद।